गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन के बारे में। कल मैंने आपको जो पॉलिनेशन के बारे में मेरे द्वारा जो कुछ भी आपको बताया गया था, लेकिन मैंने देखा कि मे भी आप लोगों को इसमें अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आज हम आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर करेंगे और साथ ही साथ अपने इस पॉलिनेशन टॉपिक को भी पूरा कवर करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है या क्या होता है ये पॉलिनेशन। मैंने कल आपको बताया था कि पॉलिनेशन को हिंदी में हम बोलते हैं परागण। ठीक है, परागण, ये परागण का मतलब क्या होता है कि पॉलिन ग्रेन का एंथर से कहाँ पर जाना, स्टिग्मा के ऊपर जाना, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। जैसे यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी करके रखा हुआ है कि पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ये एक मैकेनिज्म है। किस तरह का एक मैकेनिज्म है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। किसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है? पॉलिन ग्रेन का किया जा रहा है। और पॉलिन ग्रेन कहाँ से आते हैं? शेड फ्रॉम द एंथर, मतलब एंथर जब मैच्योर हो जाता है और जब उसमें से परागकण क्या होते हैं, निकलना शुरू होते हैं। जैसे अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ, अभी आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो, इसमें क्या हुआ है, ये जो एंथर है ये क्या है, मैच्योर हो चुका है, और जो पॉलन ग्रेन है वो अब क्या कर रहे हैं, इसमें से पॉलन ग्रेन ने निकलना शुरू कर दिया है। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या होंगे, ये पॉलन ग्रेन निकलने के बाद पहुंचेंगे कहाँ, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या होंगे, एंथर से निकल के कहाँ पहुँचेंगे, स्टिग्मा के ऊपर, यहाँ पर वो पहुँचेंगे। कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलकर यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर वो पहुँचेंगे। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, दैट मीन्स परागण। तो यहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन शेड फ्रॉम द एंथर, अभी मैंने आपको बताया, टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल। पिस्टल क्या होता है, ये पिस्टल, इसको हम बोल सकते हैं कार्पेल बोल सकते हैं, गाइनोशियम बोल सकते हैं। ठीक है, तो गाइनोशियम का एक भाग होता है स्टिग्मा के ऊपर, मतलब पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने की क्रिया को ही हम पॉलिनेशन बोलते हैं, परागण बोलते हैं। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और इस डेफिनेशन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, जो प्लांट होते हैं उसमें तीन तरह से जो पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, इसकी क्रिया होती है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स। सोर्स ऑफ पॉलन मतलब पॉलन ग्रेन्स जो है, परागकण जो है, वो कहाँ से आ रहे हैं, इसके अनुसार पॉलिनेशन को हम तीन प्रकार से उसको बांट सकते हैं। मतलब सोर्स क्या है पॉलन ग्रेन के आने का, उसके आधार पर हम परागण को तीन प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वपरागण इसको बोला जाता है। वैसे आप ऑटोगैमी ही याद रखना। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर, मतलब एक ही पुष्प में, एक ऐसा पुष्प जिसमें उसका पिस्टिल का मतलब उसका स्टिग्मा भी मौजूद हो और उसमें एंथर भी मौजूद हो, और एक ही पुष्प में अगर पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, मतलब वो सेम पुष्प होता है। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब ट्रांसफ़र होता है किसका, पॉलिन ग्रेन का, कहाँ से, फ्रॉम एंथर मतलब एंथर से कहाँ पर, टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर मतलब वर्तिकाग्र पर, ऑफ सेम फ्लावर मतलब सेम फ्लावर में अगर पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो उसके एंथर से स्टिग्मा पर, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। अब मैं आपको अपना नोट्स दिखाती हूँ जिससे मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। ऑटोगैमी, एक ही पुष्प में पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण इस प्रकार का
इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है। ऑटोगैमी के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वायोला है, ऑक्सेलिस है, कॉमेलिना है। अब ऑटोगैमी जो होता है उसको फिर हम फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं। मे बी यहीं पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न है, ये दो प्रकार कौन से हैं, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। ऑटोगैमी में ये दो भाग क्यों करने पड़े, क्योंकि इसमें दो प्रकार के पुष्प पैदा होते हैं। कैस्मोगैमस क्या होता है, इसमें एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा उपस्थित होते हैं। एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा का मतलब क्या है, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा का मतलब होता है जिसमें आपको एंथर भी क्लियरली दिखाई दे और स्टिग्मा भी आपको क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। मतलब फ्लावर के जो पेटल्स होंगे वो बिल्कुल खुले हुए हों, और इसमें जो एंथर के मैच्योर होने के बाद जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा पर अगर इजीली वे में पहुंच रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम ऑटोगैमी बोलेंगे। इज़ दैट क्लियर। मतलब इसमें क्या होंगे, फ्लावर क्या होंगे, बिल्कुल ओपन टाइप का होगा और उसमें आपको स्टिग्मा और जो एंथर है वो बिल्कुल क्लियर, मतलब वो आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा, ठीक है। और इसमें जब एंथर मैच्योर होगा तो इसका पॉलन ग्रेन हवा के माध्यम से, चाहे जल के माध्यम से, चाहे कीट पतंगों के माध्यम से, अभी आपको मैं पॉलिनेटिंग एजेंट भी इसके बाद पढ़ाने वाली हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये पहुँच जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लिस्टोगैमस, सॉरी उसको बोलेंगे कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस याद रखना, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा वहाँ पर मौजूद होता है। एक्सपोज्ड मतलब खुले हुए, कैस्मोगैमस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लिस्टोगैमस। एक्चुअली आपने क्लिस्टोगैमस में ही डाउट पूछा था ना, इसीलिए इसको अब क्लियर करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और देखती हूँ मैं यहाँ कितना आपको क्लियर कर पाती हूँ। क्लिस्टोगैमस क्या होता है, फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा। अच्छा, ये आपने जो भी पढ़ाना, अब मैं इसको आपको एक फ्लावर के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पे ये जो फ्लावर है ये क्या है, ये क्लोज टाइप का फ्लावर है ना, तो जब फ्लावर बिल्कुल क्लोज्ड हो और उसमें स्टिग्मा स्टाइल बिल्कुल क्लियर कट दिख रहे हो, तो इस तरह के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के फ्लावर को हम बोलते हैं कैस्मोगैमस, ठीक है। क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, क्लिस्टोगैमस में इसमें क्लोज टाइप के मतलब जो स्टिग्मा और जो एंथर हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। क्या इसमें आपको कहीं भी, ये तो फिलहाल एक फ्लावर का बर्ड है, चूँकि मैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर को आपको लाके नहीं दिखा सकती, उसका एग्जांपल मूंगफली है, ठीक है। याद रखना, अगर आपने कभी मूंगफली के फूल को देखा होगा, मूंगफली के फ्लावर को देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है वो किस टाइप का होता है, वो ऑटोगैमी होता है। और ऑटोगैमी में भी मतलब उसमें भी कौन सा प्रकार होता है, उसमें वो क्लिस्टोगैमस होता है, मतलब प्योरली ऑटोगैमी होता है, कोई चांस ही नहीं रहता। अब देखो इसमें क्या है, पेटल्स पूरी तरह से बंद है ना, पूरी तरह से इसमें क्या है, इसमें पेटल्स पूरा बंद है, और कहीं से भी इस कुछ इसी तरह का फ्लावर होता है। यहाँ पे तो ये फ्लावर बर्ड है, लेकिन चूँकि साइंस के आप स्टूडेंट हो तो आप सपोज़ मान सकते हो, तो मान लो कि ये दो अलग अलग आपके फ्लावर्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, बिल्कुल ओपन फ्लावर है जिसमें क्लियर कट हमको स्टिग्मा और क्या है इसका एंथर हमें शो हो रहा है, स्टिग्मा और एंथर हमें शो हो रहा है। तो ये क्या है, कैस्मोगैमस फ्लावर है जो कि बिल्कुल ही ओपन है। ये क्या है, ये आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है कि इसमें पेटल्स पूरी तरह से क्लोज्ड होते हैं, और पेटल्स के क्लोज होने की वजह से जो स्टिग्मा और एंथर होता है वो इसके अंदर मौजूद होता है। अब इसके अंदर भी स्टिग्मा और एंथर तो है, लेकिन कहीं से भी आपको क्या दिख रहा है कि आपको शो हो रहा है, कहीं से भी आपको वो चीज़ शो नहीं होगा। और जब दोनों मैच्योर होते हैं, मतलब जब स्टिग्मा और एंथर जब दोनों मैच्योर हो जाते हैं, मतलब जब फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट दोनों मैच्योर हो जाते हैं, इसके अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है और फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, तो कहीं से चांस ही नहीं बनता। जैसे इसमें चांस है, क्रॉस पॉलिनेशन का यहाँ पे चांस है। क्रॉस पॉलिनेशन को हम हिंदी में बोलते हैं पर परागण ना, तो इन द
फ्लावर ऑफ कैस्मोगैमस, जो कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं उसमें ये चांस होता है कि जब एंथर मैच्योर हो और जब वो पॉलन ग्रेन को क्या करें, जब वो पॉलन ग्रेन को अपने में से मुक्त करते हैं तो मे बी विंड के द्वारा, मतलब हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा और इंसेक्ट के द्वारा पॉलन ग्रेन जो हैं वो दूसरे फ्लावर के ऊपर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर वो जा सकते हैं, जा सकते हैं कि नहीं। अब हवा चलती है तो हवा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जो हवा होगी वो क्या करेगा, वो इसके मतलब इसके पॉलन ग्रेन को इसी के स्टिग्मा के ऊपर वो पहुंचाएगा, ये ऐसा कुछ कंपलसरी तो होता नहीं है। हवा है तो हवा के द्वारा जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर भी तो वो जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मतलब जो कैस्मोगैमस टाइप का जो फ्लावर होता है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन का चांस होता है, पर परागण का उसमें चांस होता है, ठीक है। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, अब ये तो पूरा बेचारा क्लोज है, ये तो अपने में से अपने परागकणों को कहीं दूसरे जगह जाने ही नहीं देगा। तो जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो क्या होगा, उसी के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके पहुँचेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस होता है कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस में। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस कैसी हैं कि ऑटोगैमी होने के लिए, मतलब स्व परागण हो सके, इसके लिए फ्लावर के अंदर कुछ, मतलब कुछ कंडीशंस अप्लाई होने चाहिए। वो कंडीशंस यहाँ पे क्या हैं कि पॉलन ग्रेन शुड बी रिसीव्ड बाय स्टिग्मा। एक फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन जो छोड़े जाते हैं उनको स्टिग्मा के द्वारा रिसीव किया जाना चाहिए। ये बात दोनों में हो रही है, कैस्मोगैमस की और क्लिस्टोगैमस में भी। एंथर एंड पिस्टिल शुड क्लोज टू ईच अदर, जो एंथर है और पिस्टिल है वो एक दूसरे के पास पास होना चाहिए। अगर बहुत दूर दूर होगा तो वहाँ पर ऑटोगैमी किस तरह से हो पाएगा। और मैच्योरेशन टाइम सेम होना चाहिए, मतलब जब आपका एंथर मैच्योर होता है उसी टाइम पर पिस्टल को भी मैच्योर होना चाहिए। अगर अलग अलग टाइम पर मैच्योर होगा तब फिर भी मतलब आपका फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो पाएगा ना, इसलिए, ठीक। तो आई होप आपको ऑटोगैमी समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप का जो पॉलिनेशन है वो है जीटोनोगैमी। बहुत सिंपल है, जीटोनोगैमी में क्या होता है, अनदर फ्लावर सेम प्लांट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेटिंग, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेटिंग, मतलब जेनेटिक वे में अगर हम उसके द्वारा बनाए हुए फ्रूट या सीड का अध्ययन करेंगे तो वो जेनेटिकली बिल्कुल सेम होगा, लेकिन फंक्शनली क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मतलब सेम प्लांट सेम है, लेकिन एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन अगर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर पॉलन ग्रेन अगर पहुँच जाते हैं तो इस तरह के परागण अर्थात पॉलिनेशन को हम जीटोनोगैमी नाम देते हैं। यहाँ मैंने हिंदी में भी लिख के रखा हुआ है, एक फ्लावर के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण। यद्यपि सजात पुष्पी जीटोनोगैमी परागण क्रियात्मक रूप से पर परागण है, मतलब अगर हम फंक्शनली देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन के ऊपर अगर पहुँचता है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है जिसमें एक कारक सम्मिलित होता है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक कारक मतलब यहाँ पे वायु, जल, कीट पतंगे सम्मिलित होती हैं। सजात पुष्पी परागण, मतलब जो जीटोनोगैमी पॉलिनेशन होता है लगभग ऑटोगैमी जैसा ही है, स्वयुग्मन जैसा ही है, क्योंकि इसमें परागण उसी पादप से आते हैं, परागकण उसी पादप से आते हैं। चूँकि यहाँ पे प्लांट सेम है, केवल फ्लावर अलग अलग हो जा रहा है, तो जो सीड का प्रोडक्शन होगा वो तो एक ही तरह का होगा ना। अब है ज़ीनोगैमी। ज़ीनोगैमी का मतलब क्या होता है, परनिषेचन। इसमें भिन्न पादपों के पराग कोष से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है। मात्र यही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण मतलब पॉलिनेशन के समय अनुवांशिक भिन्न प्रकार के पराग कणों का आगमन होता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको तीनों को एक साथ रिवीजन में आपको यहाँ पे करवाती हूँ, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और ज़ीनोगैमी में।
मेरे जो प्रोनंसिएशन है उसको ध्यान रखना और इसी तरह से आपको भी बोलना होगा। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, एक ही पुष्प के, ये देखो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, ये आपको क्लियर होगा। अब ये इसका क्या है, दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक। ये क्या है, एंथर और ये फिलामेंट। इसमें जो एंथर से पॉलन ग्रेन, अगर उसी, ये क्या है फ्लावर, ये पूरा एक फ्लावर है, अगर जो एंथर से पॉलन ग्रेन जो हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर आकर पहुंचते हैं या गिरते हैं तो उसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं। अब इस फ्लावर के एंथर से अगर पॉलन ग्रेन किस पर पहुंच जाए, इस पर पहुंच जाए, या इस एंथर के जो पॉलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा के ऊपर अगर पहुंच जाए, प्लांट सेम रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीटोनोगैमी बोलेंगे। जीनोगैमी क्या होता है कि इस एंथर के, मतलब देखो यहाँ पे ये प्लांट ही, यहाँ पे एक अलग प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, इस प्लांट के जो एंथर से पॉलन ग्रेन अगर इस प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाए तो इसको हम जीनोगैमी बोलते हैं। आई होप आपको तीनों तरह के जो पॉलिनेशन हैं वो समझ में आए होंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए मैं फ्लावर लेके आई हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो ना, इस वजह से। क्या होता है ऑटोगैमी में, क्या हो रहा है ऑटोगैमी, अगर इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर पहुँचे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे, ठीक है। ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। जीनोगैमी किसको बोलेंगे, अगर इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर पहुँचे तो उसको हम जीटोनोगैमी बोलेंगे, या इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पहुँचे तो उसको हम जीटोनोगैमी बोलेंगे। बट अगर इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर पहुंचता है तो इसको हम जीनोगैमी बोलेंगे, ठीक है। अब ऑटोगैमी दो तरह का, मतलब ऑटोगैमी दो तरह के फ्लावर चूँकि उसमें उत्पन्न होते हैं इसलिए उसको हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। ऑटोगैमी पहला क्या है उसका, कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस क्या होता है, ओपन टाइप का फ्लावर होता है जिसमें जो स्टिग्मा और जो एंथर होता है वो बिल्कुल एक्सपोज्ड होता है। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस होता है इसमें देखो ये एक बडिंग स्टेज है ना, तो इसमें आपको कहाँ दिखाई दे रहा है एंथर और स्टिग्मा। तो जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होंगे, इस तरह के भी कुछ फ्लावर होते हैं जो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना अभी, पीनट मूंगफली, ऐसे कुछ फ्लावर होते हैं। ये तो इस फ्लावर का ये बर्ड है लेकिन कुछ फ्लावर हमेशा ऐसे ही रहते हैं, जैसे मूंगफली के फ्लावर्स जो होते हैं। तो इसमें क्या कुछ चांस है जीनोगैमी या जीटोनोगैमी होने का, कोई चांस नहीं होता है। तो इस तरह के फ्लावर को हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं ये ज़रूर मुझको बताना। थैंक यू।